वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक जागो लाहौर की तरफ से मैं हूँ सैयद आर्मल हसन और मेरे साथ हैं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आपको जागो लाहौर की तरफ से हमारी टीम की तरफ से लाहौर न्यूज की तरफ से दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से ईद मुबारक हो। बड़ी ईद है, इसकी बड़ी खुशियां हैं, टिक्के बोटी कबाब सीखे सुबह सुबह खाने की बातें हो रही है और साथ में उबैद को देखकर भी आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी ईद ट्रांसमिशन और उबैद सिर्फ ईद के ईद नजर आते हैं। अभी ये कहेंगे कि मैं ईद का चांद हूँ लेकिन ऐसी गलत नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं आप ये भी कहना। अच्छा, इस सेट पे अगर सिर्फ हम दोनों हो तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है आप लोगों के साथ। तो इसको सजाने के लिए हमारे पास मेहमान है और वो तमाम लोग हैं जिनको देख कर आप खुश होते हैं, जिनको आप देख कर मुस्कुराते हैं, जिनसे आपकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। वो इस तरह से कि वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, एक हमारे मेहमान वो भी हैं जो आपको बहुत हंसाते हैं बल्कि आप लोटपोट हो जाते हैं, और एक वो हैं जब आप लोटपोट हो रहे होते हैं तो आपको अच्छा गाना सुना के उठाते हैं और आपको झूमने पर मजबूर करते हैं। तो पहले मतलब पूरा पैकेज है हमारे पास और इस पूरे पैकेज के साथ ही हम अपना शो लेकर चलेंगे और ईद की सेलिब्रेशन जो हमारी सेट पे भी उसी तरह से जारी रहेंगी जैसे आप अपने घरों में ईद को सेलिब्रेट करें। हमें ज्वाइन किया है जी, जैसे सुरों की बात कर रहे थे, सुरीले हैं, बहुत शदीद वाले सुरीले हैं और जब इनकी आवाज आप सुनते हैं तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। जोजी अली खान ने हमें ज्वाइन किया, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक, जागो लाहौर की पूरी टीम को, लाहौर न्यूज को, तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और मेरे देखने वालों को, प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को। आज ईद का मजा आ गया है, आपने इतने सारी दुनिया को, अभी आपको मजा हम करवाते हैं, एंजॉय करेंगे आपके गाने सुन के। अच्छा, हमारे साथ एक और बड़ा नाम मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अगर हम सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर कट कर दें और हमारे देखने वाले उन्हें देख लें तो यकीनन पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। नवाज अंजुम साहब ने हमें सेट पर ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, जागो लाहौर, आज ईद का दिन है और मुझे ऐसे लग रहा है हम लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है और ये किसी कंटेनर में जागो लाहौर और अहले वतन को नवाज अंजुम की तरफ से ईद मुबारक हो। और जितने भी जो लोग देख रहे हैं इस टाइम, खासतौर पे दुनिया टीवी को और तमाम देख चाहने वालों को ईद मुबारक हो। और आज सुबह सुबह आपने जो बुलवा लिया है हमें, ये बहुत अच्छा, बड़ी बात है। दुनिया न्यूज हसबे हाल से निकले, लाहौर न्यूज जागो लाहौर में आए, आप अरमला के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखो अच्छा, ये कितने बजे करना है आपने इनको, मतलब छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ, कोशिश में करना चाहती हूँ, अपने अगली मेहमान का तारुफ करवाऊंगी। और आम रूटीन में हम वही बात, जब पॉलिसीज की बात करते हैं चाहे हमारा इख्तलाफ हो, लेकिन आज हम किसी इख्तलाफ के बगैर इनको शो पे बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे डिस्कशन बढ़िया चीज। मेरी थोड़ी सी कोशिश होगी कुछ थोड़ा सा, नहीं नहीं मैंने नहीं लगवाना, मैं लड़ाई नहीं करवाऊंगी। चलो मेहमान का तारुफ। अच्छा जी, तंजीला इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू, ईद मुबारक तंजीला, सबको भी ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूअर्स को बहुत सारी ईद की खुशियां मुबारक। अच्छा, साथ साथ जब तहरीक-ए-इंसाफ आ गई है तो हमने सोचा कि फिर जो इत्तेहादी हैं उनको भी बुलाया जाए। काफ लीग से हमारे साथ मौजूद हैं आमना उल्फत साहब। आमना साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको ईद मुबारक हो। मुस्लिम लीग काफ लाहौर चैप्टर की ये सदर हैं और जब काफ लीग की यहाँ पर हुकूमत थी तो एक इंतहाई सरगर्म रुकन रही हैं पंजाब असेंबली की, और फिर साथ ही साथ शोबिज इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक है, वो कैसे वो हम आपको बताएंगे जब हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जी, बैठ जाते हैं हम अपनी सीटों। ईद मुबारक आपको, आप कुछ कहना चाह रही हैं जी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ईद, आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहूंगा, और जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ सबके लिए है और दुनिया ग्रुप के लिए और लाहौर चैनल के लिए खास तौर से और उर्मिला के लिए। Thank और you. आप जो ईद का चांद है आज के दिन तो अच्छा, आप सही, अब आप इसको खुश नहीं दे रहे पूरे शो में, मैं ईद का चांद हो गया, मतलब नहीं ज्यादा हो गया, मैं इस बार से वरना जोड़ी का सौदा हो जाने। माफी देना प्लीज, माफी देना मुझे ना, घसीटे, मेरा एक दिन होता है साल में एक दिन। सही है जी, सारी बातों से ज्यादा आप दोनों की जो नोक झोंक है ना वो मजे की लगती है, मेरे सबसे ज्यादा आप दोनों को एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत सोकने बनी हुई है, सोकने बने हुए ना। नॉर्मली जब हमारे शो होते हैं तो उससे पहले हम प्रिपेयर नहीं होते कि हमने इतनी लड़ाई करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर से आती है लड़ाई। अच्छा जी, डिस्कशन का आगाज करेंगे जी बाकायदा तौर पे। जोजी अली खान साहब
इस में जैसे हम बात करते हैं कि ईद, लेकिन अरमला इस सबसे हाँ। पहले आप जोजी साहब से गाना सुनना चाहेंगी, तंजीला साहब से पूछना चाहेंगी वो क्या कर रही हैं, हमारा बकरा कहाँ है? हमने ऑर्डर किया था काफी देर हो गई। ऑर्डर तो आज के दौर में एप्लीकेशन पे आ रहा है, कहाँ है हमारा बकरा? हमें उस बकरे की तलाश है जिसे लेने के लिए हमने गोगा कसाई को भेजा था। अस्सलाम वालेकुम, चल चल सामने आगे ईद मुबारक। लाजी बैदुल्ला साहब, मैं बकरा ले आया हूं। क्या बकरे हो? की हो गया? अच्छा बकरा ले आया। अच्छा बकरा, क्या बकरा? फेर दूं, तैयार हैं आप? अभी ठहर जाएं, पहले बकरा चेक कर लें, फिर हाथ फेर चेक करेंगे। मैं तो कर दूं इसको छोड़े, मैं कर इसमें सात हिस्से ना डाल लें इसमें। नहीं नहीं, इसी में बहुत अच्छा। ये भाईजान, मैं तो जख्मी हो गया हूँ। आई एम सॉरी, ये कितने का लेकर आए? ये है जी 45,000 का। क्या रिक्शा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसमें टैक्स भी लगाया आपने? जी टैक्स के साथ लाया। 17% टैक्स लगा इसके ऊपर। आप सुन रही हैं, आप बकरों में भी टैक्स लग गए। ये एक सेकंड, ये मैं एक मिनट में जरा बता दूं, छोटे से नवाज शरीफ हैं आपके साथ, कोई 17% टैक्स लग रहा है। ये नन्ना सा कोई नवाज शरीफ है जो बकरे में 17% टैक्स को ऐड कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये बकरा जो है ना, ये मुझे आपने कुछ करवाना है जी? मैंने मैंने ज़िबा करवाना है। आपने क्या करवाना? आपने तो अपना मकान में रंग करवाया, आप बकरा का लिख रहे हैं। बहुत अच्छी भैया, मैंने आप तो आप बाकी कसाई है या इन दिनों में आप कसाई? मैं कसाई हूँ और कैमरे की सफाई नहीं है। नहीं, नहीं, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ ना, कहीं अक्सर अनाड़ी लोग कसाई बन जाते हैं इन दिनों में, जिनकी वजह से गोश्त खराब हो जाता है, कुर्बानी खराब हो जाती है। कभी कभी कसाई बन जाते हैं, फसली कसाई तो ना। जी जी जी, फसली कसाई? नहीं नहीं, वो तो फसली बटेरा होता है जी। आप किधर से काम कर रहे हैं? मैं, मेरा तो जद्दी पुश्ती काम है जी, हमारा तो सात पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है। सात पीढ़ियों से? नवाज अमीन साहब ने शजरा नसब बयान कर दिया ना, मसला हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बाकी कितने का लेकर आए आप? ये 45,000 रुपए का बकरा है। बहुत महंगा भाई, जल्दी कर रहे बकरे के पास। 45,000 जी, 45,000 ज्यादा है जी। हाँ जी, 45,000 ज्यादा है। आपका टोटल बजट 30,000। इस तरह ना करो, इसने समझाया होता बकरे को, अब यहाँ बकरा खरीद के यहाँ बांधोगे, इसने रस्सी तोड़वा के फिर इसके पास भाग जाना है। सबका हाथ लगेगा, सबसे पहले इसको कुछ नहीं कहेगा। बड़ा प्यारा बकरा है। अच्छा, ये बकरा किस्तों पे भी मिल सकता है? उसकी कुर्बानी नहीं होगी फिर, इस तरह आपका स्वाब थोड़ा थोड़ा करके जाएगा ऊपर। अगर किस्तों पे लिए ना तो आपने फ्रीज कर लेना है। अच्छा नहीं, देखिए ना, अगर टैक्स लग सकता है तो फिर किस्त भी होना चाहिए। बाजी से बात करो, बकरे में निगोशिएशन हो रही है और मेरा ख्याल रेट कम हो जाएगा थोड़ी देर तक। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करते हैं भैया, बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैंने इसको कान में कहना अल्लाह अकबर, इसने लेट देना। जी जी जी, बच्चों की तरह पाला मैंने। शर्म नहीं आती? औलाद बेच रहे हो? अब भाई बकरा बेच रहा हूँ। अच्छा, तो आप आपको भी पता कैसे रखा है मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बच्चों की तरह उन्होंने रखा हुआ था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आप ये फटाफट इसको इसकी कुर्बानी करें, उसके बाद मैं आपको अपने मोहल्ले में भी लेकर जाऊंगा। झगड़ा हो गया? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तीन चार बकरे वो जो आपने ज़िबा करने हैं, कसाई नहीं मिल रहा हमें, इतना टाइम नहीं मेरे पास। कसाई इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए ना? आप कितने पैसे ले रहे हैं? जी मैं 10,000 रुपया ले रहा हूँ बकरे का। जी जी, बकरे का ज़िबा करने का? हाँ जी, हमने बकरा खरीदना नहीं है, ज़िबा कराना। अगर आपने वेड़ा करवाना तो उसका 25,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपया बकरे का और अपनी पसंद का गोश्त भी, खाल भी आपकी, पाए भी आपके। साढ़े बच्चे नहीं है गए? साढ़े बच्चे नहीं, तो फिर पैसे ना। बकरा पुरजोर एहतजाज कर रहा है कसाई साहब की गुफ्तगू पे, लेकिन उस बकरे का चार्ज नहीं सुन रहा। हाँ जी, ऊंट के क्या चार्ज? जुमले पे एहतजाज कर रहा है। ऊंट का लेंगे हम 50,000 रुपये। माशाल्लाह, उसमें साथ से डालते हैं। आपको रेट बताया, आप कोमे में थे। बहुत अच्छे, आपका रेट 25,000 रुपये। आप बकरे पे हाथ दे रहे हैं, हम इसको कुर्बान कर रहे हैं। बकरे पे हाथ मेरे खान साहब, बकरा कुर्बान करना है। मैं ये कह रहा था, आपको भी डर लगता है?
जी उबैदी क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हाथ फेरें ताकि हम कुर्बानी करें। ये एक बकरा है, इस पे एक कुर्बानी है, आप सबसे हाथ फिरवा रहे हैं। असल में ये बकरा किस पे कुर्बान होने जा रहा है? बैठे आप, बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब अरमला की बात नहीं, मेरी बारी बिल्कुल नहीं है। जब ये कुर्बान हो जाएगा ना फिर उसका सर आएगा। अरमला की अभी नई नई शादी हुई है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, ये टक्कर मार के तलाक करवा दे। मतलब ये कि हम हाथ फेर दो अरमला वरना ज़बान नहीं होगा। चलो जख्मी नहीं होगा, मेरी तरफ से आपने जो आप हाथ फेर, हाँ चले उनकी तरफ से भी मैंने फेर दिया। नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं कह रही हूँ एक बकरे में कितने हिस्से हैं, इतने लोगों ने हाथ कुर्बानी के जानवर को तो प्यार करना भी वैसे होता तो एक ही हिस्सा। असल में वो घर वाले जितने भी फर्द होते ना वो छुरी को हाथ लगा देते, जरा उससे ये होती उसमें सब शामिल हो जाए। लेकिन बकरे ने हेलो पीटीआई की है माशाल्लाह बड़ा पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। बकरा पक्का नून लीग का लग रहा है, देसी जो उसका रेट बता रहे हैं कि वो नून लीग का है। आपके पास और भी बकरे हैं? काफी कभी हो सकता है। मेरे पास और भी बकरे हैं, कोई मोटरसाइकिलें नहीं है, बकरे हैं मेरे पास। अच्छा हाँ जी, ये 1000 cc है जी, 1000 cc आपको क्या जरूरत बकरों की? आ तो नमाज पढ़ कर ईद की मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं, जिसका बकरा ला लो, दे थोड़ा सा गोश्त, हमें भी हमारा भी हक है, ऐसे बकरा पूरा कर लेते हो शाम तक। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा बड़ा अच्छा लगा। आप वहाँ बाहर बैठे, हम आपको ले जाएंगे फिर मोहल्ले में। किधर ले जाएंगे? मोहल्ले में। भाई बैसा में बकरा मंगाया, इतना टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी क्या किया इन्होंने? चोरी हमारे घर का मामला है, जाए कौन सा घर का मामला, घर से आके कसाई भी बड़े हो, चोरी का बकरा तुम ले। ये मैंने कहा था ना एक छोटा सा नवाज शरीफ निकलेगा अंदर से। आपने बिल्कुल सही कहा था, इसे असेंबली में लेकर जाऊंगा मैं। देखे मेरी बात सुने, मैं बकरा आपने कहा था वैसा बकरा लेके तो पैसे दे के लाना था ना भाई, तो किसी का खोल कर तुम ले आए हो बकरा। और मैंने उनको कहा ये प्यासा खड़ा है, मैं पानी पिलाकर अभी लेके रहता हूँ। आप हलाल करने लगे थे उसको, बस ये हलाल आखिरी सवाल इनसे कहो बकरे की रसीद है? हां जी रसीदा कर दो, रसीदा कर दो। तुसी मदरसे नु नहीं दे रहे बकरे, अल्लाह ही रस्ते नहीं दे रहे। नहीं तो रसीद देनी पड़ेगी, सही कह रही हो। रसीद होती है हूँ, मेरे कापियां तो नहीं इतने चौके फिरना, मैं बकरा लेके जागो लाहौर में आ गए हो और मीडिया तुम्हें देख रहा है, तुम्हें अभी बाहर तो नहीं जाने देंगे। तुम चोरी का बकरा लेकर आए हो और चोरी का बकरा ये कुर्बानी इसकी नहीं होती, तुम हमें भी गुनाहगार कर रहे थे। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बकरा चोरी का नहीं था। पता करवाएं अडियाला में कोई और बकरा खाना है, चोर डिक्लेयर हो गए हैं। नहीं चोर ने इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके बाद मैं है ना इसके बाल पकड़ के ना ओ भाई ओ नो। अच्छा नवाज अंजुम साहब चोरी जाने वाली करते हैं इनको, आप देखे मैं आप जा रही हूँ, अब आप बाहर खड़े हो, मैं देख लेता हूँ तुम्हें, आज जाके दिखाओ तुम। आप खुदा के लिए सही वाला बकरा ले आए, कम हॉल जी बहुत गर्म हो चुका है, चोरी का बकरा आया था लेकिन निकाल दिया। आपने रेट सुने के साई के 10,000 रुपए बकरा बकरा जिबा करने के 10,000 रुपए सबसे बड़ा मसला होता था। अब और आजकल वाकई कसाईयों के, आप लोगों को तो बेहतर पता होगा, जब आप लोग रेट वगैरह कसाई ढूंढने जाते होंगे तो इतनी महंगाई हो गई है। ऐसे अताई कसाई हैं कि वो चारों इसके पांव काट के बकरा टांगने की जगह ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि कसाई गोश्त खराब कर देते हैं। यकीन करना एक आदमी आया भी, मैंने बकरा लिया है, पावे मैनू देना, मैंने पावे मैनू देना, मैं कहा आप ऐसे करें पावे आप ले जाए, ये बकरा ईंटों पे खड़ा कर दे। मैंने कहा जो भी आ रहा है पावे मैंने दीवार पे बकरा बनवाया है और अब जाके गर्दन से उसकी ईंट निकलवाऊंगा और मेरी कुर्बानी।
जो पिछले साल रेट था वही इस साल रेट है, तो उसका कोई रेट में फर्क नहीं है, कोई रेट में फर्क नहीं है। मैंने आपसे कहा है ये जो छोटे छोटे फिर रहे हैं ना नवाज शरीफ, ये पहचाने या आपके आसपास ही है, ये रेट वही है, कीमतें वही है, जब किसी चीज का टैक्स लगा ही नहीं तो आप लोग जायद कीमत क्यों दे रहे हैं सोशल मीडिया। अच्छा खैर, अब वापस आते हुए तो कैसी गुजर रही है ईद, कैसा गुजर रहा है दिन, आपको भी इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, असल में आपको पता है आर्टिस्टों की ईद जो है वो हम काम करते रहते हैं रिकॉर्डिंग्स पे इधर उधर, और फिर नमाज के बाद फिर सोना पड़ता है, थोड़ा आराम करना पड़ता है, तो ये बकरों के मामला कुर्बानी वगैरह के जिम्मेदारी जो है वो मेरे बड़े भाई की है। अच्छा, मैं तो बस जब उठता हूँ तो फिर खाने वाले। अच्छा, अभी हमने चूंकि ब्रेक लेनी है जोजी खान साहब, तो ब्रेक पर जाने से पहले कोई अच्छा सा गाना हम फरमाइश करते हैं आपसे। तो गाना तो अच्छा सा ही होता है। नहीं मतलब कभी कभी नहीं भी अच्छा होता है, के मुताबिक कभी कभी अच्छा नहीं भी होता ना, अच्छे से ऊपर वाले मैं आकर जा जी। जोजी भाई मेरे रश्के कोमल, मेरे रश्के कोमल, मेरे रश्के कोमल तूने पहली नजर, मेरे रश्के कोमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कोमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, आंखों की लड़ी हूँ मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, साए में आ मेरे साथिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल, और हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बातें हो रही हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कुछ हला गुला चल रहा है, और भी मेहमान हैं इस सेट पर, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम इस तरह से आगे बढ़ रहा है आपके घर तक, आपके टीवी सेट के जरिए रौनक पहुंच रही है, रंग खुशियों के ईद के पहुंच रहे हैं। तो अब हमें सेट पर ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमा बुखारी, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं सिद्दीकी साहब, मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिनके बोलने से पता लग गया। अच्छा बस, अच्छा मेरा इंट्रोड्यूस, मेरे मैं बड़े अच्छे अल्फाज में बड़ी कोशिश, बड़ी दो चार दिन से कोशिश कर रहा था कि आप आएंगे, बुरा करा दें तो आप आएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा, लेकिन ये हो ना सका। नहीं, मैंने कहा आपके कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं,
प्रोग्राम के लारी अड्डा इनकी मौजूदगी में ऐसे ही लग रहा है ना आपको। अच्छा 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 ये हंस रहे हैं। ये आवाज कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं, मैं बस स्टैंड समझ के बैठा था और बस के कोई इम्कान नहीं। आई एम सॉरी सिद्दीकी साहब, मैंने आपको रोक दिया, अब तो हो गया। ओहो, अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई पहली बात की होगी। अमानत सिंह साहब आए और वो अबैदुल्ला सिद्दीकी के हवाले से कुछ दो चार बातें ना करें, इनके कोर्ट के हवाले से मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। चलिए जी, कुछ कमेंट करें प्लीज, मैं एंजॉय करना चाहती हूं। वो हम बाद में मिलेंगे ना। तो ये हाथ का बना हुआ है, लग रहा है हाथ का बना हुआ है। बारिश में नाम है क्या ख्याल है? जबरदस्त है, अच्छा रेनकोट रहेगा। कसम से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो तो हम कॉमेडी अपने मजबूर हैं, जो कर रहे हैं जिपते कर रहे हैं, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर बात कराएंगे। जी जी, अच्छा इसी सेट पर हमारे साथ, क्योंकि जैसे कि बता दिए गए सेट तो है नहीं, है क्या है आप समझ ही गए। खैर बहरहाल, ये जागो लाहौर सेट है और हमें डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक रखती हैं ये और रुकन कौमी असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ईद मुबारक आपको। ईद कैसी गुजरती है सीमी? ईद तो बहुत बिजी गुजरती है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में भी हैं तो अपने आवाम के साथ भी टाइम देना जरूरी होता है, चाहे वो छोटी ईद हो या बकर ईद हो। तो दोनों में मैं अपने हल्के के लोगों का जरूर साथ देती हूँ। जबरदस्त। तो घर पे कुकिंग वगैरह मेहमानों के आने का सिलसिला? जी ये बिल्कुल, सुबह तक बकर ईद पे तो स्पेशली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, वो कुर्बानी करवाएं और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। किचन में ये बन रहा है, कोई बच्चों की फरमाइश कलेजी चाहिए, तो कोई आपा बकरा सादा लेके आई या सियासी? बकरे का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं। आपकी कैसी गुजरती है? बस ऐसे ही गुजरती है जैसे आपके साथ गुजर रही है। आपने तो सिद्दीकी साहब ने अपना कोट मुझे याद है, छोटी ईद पे इफ्तिखार ठाकुर साहब थे और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं होने दिया था। जी हाँ, शिद्दत से महसूस हो रही है। उन्होंने इनकी तारीफी कलमात अदा किए थे, जो तारीखी जुमले थे, और उबैद ने अपने हर सोशल मीडिया फोरम पे वो शेयर किए थे। और नहीं, वो उनकी तरफ से प्यार था, मोहब्बत था। आपकी ईद कैसे गुजरती है? सीधा सीधा जवाब, सीधा जवाब, खुशियों से गुजरती है जाहिर है, बच्चों से। हाँ जी, जो गुजरती है कुर्बानी खुद करते हैं जी, जानवर खुद काटते हैं। बहुत अच्छे, खुद नहीं काटते, मैं बड़ा नाजुक आदमी हूँ। यकीन नहीं आ रहा, मुझे आप भी नहीं माइंड करेंगे, वैसे तो बड़े अच्छे इंसान है। सिद्दीकी साहब ने कोट ना अपना टांगा तो बीच में चिड़िया घुस गई, उन्होंने कहा पता नहीं घोंसला है। अगली बार मैं तुम्हें कोट पहनोगे? मैं ऐसा कोई कोट नहीं पहनूं। अच्छा वैसे पिछली बार मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने 50,000 रुपए का फ्रिज लिया और गोश्त 1 किलो भी इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो ज्यादती हुई। आप बकरे पे लगा देते हैं, बकरा ही ले लेते आप तो कुछ भारी। यार ये होता रहता है जिंदगी में, मैं 1.5 टन का एसी लाया हूं घर में, 1.5 टन का कूलिंग कर लिया, अगर तोले 15 किलो निकले थे, 1.5 टन का कह रहे थे 15 किलो का निकला। ये तो बड़ा जुल्म है। खैर इसी के साथ आपका तो ये चलता रहेगा सिलसिला, आपके लिए मेरा कोर्ट हाजिर है। तो उबैदुल्ला सिद्दीकी और इनका कोर्ट आपको दिया हमने, सिर्फ मेरा कोर्ट, सिर्फ मेरा कोर्ट। जो जी साहब कुछ गुनगुना दें, थोड़ी देर मेरी बचा, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं आपको बताता हूँ, कैमरे बंद करवा के आप गाना गा देंगे हमारे लिए। अगर दिल रब से लगाया होता है क्या
जमीन वो आसमान भी मैंने झुकाया होता, जितना लगाया दिल तुमसे अगर दिल रब से लगाया होता, है क्या जमीन वो आसमान भी मैंने झुकाया होता। और कभी इसको आपने लॉन्च कर दिया है या अभी होने वाला है? जी अभी किया है आपके साथ। अरे वाह जबरदस्त, कमाल हो गया, ये तो डबल ट्रीट हो गया, बहुत जबरदस्त। लैला सिद्दीकी साहब आप एंकर हैं, आप बड़े ज़हीन लोग होते हैं। लैला काली आजकल लीला चल रहा है, सुना लैला काली थी आज दिन तो लेलों का है सर, मैंने इसलिए पूछा ना, सुना है लैला की आपको फिक्र है, काले कोट की आपको फिक्र है, क्या है भाई काले रंग से पास क्या मसला? आज तो अमानत चंद साहब आज लैला डे है, लैला लैला आज लैला डे है। आप किधर लैला के चक्रों में पड़े? अच्छा जी मैंने सुना है लैला काली थी, मैंने इसलिए पूछा। आपको नहीं, आप पैर ना बनाए ना अपना, आप जबरदस्ती जोड़ी बनाने के लिए। अच्छा साहब कोर्ट में बात सुने, आप जबरदस्ती जोड़ी ना बनाए, आजकल आज का दिन जो है ना जोड़े बड़े अच्छे बिक रहे हैं, जोड़ी तो की लेने। अच्छा एक मिनट, भाभी जी तो कई लोग ढेरी का भी सौदा कर लेते हैं, ये बात भी ठीक है। नहीं मैं कोर्ट में कह रहा था कि अच्छा डिजाइन है, ऐसे ऐसे रुमाल सुमैया के ऊपर डाल कर देखे जाते हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। कितना टाइम बाकी है शो खत्म होने में? कितना टाइम अभी बहुत बाकी है, थोड़ी देर और कराएंगे इस कोर्ट के ऊपर। अच्छा सी आप लोगों की मर्द जात ईद के मौके पे तो कुकिंग करते हैं, आप लोगों के घर वालों को ये शर्फ हासिल है कि काम भी हम करें कुकिंग भी हम करें? कौन से मर्द हजरात कुकिंग करते हैं? अच्छा जी कुकिंग नहीं, मैं बताता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आप नहीं करते शायद, आप मेरा ख्याल है, लेकिन आर्टिस्ट सारे करते हैं, पूरा होना जरूरी है। अच्छा नहीं ये सारे, ये तो मजाक की बात है, माशाल्लाह अपना अपना शौक होता है। जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं ना, मसलन के मेरा ख्याल है नवाज अंजम साहब बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। यकीनन बिल्कुल सही। अच्छा जी खुद भी मैं, मुझे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं औरतों वाले काम नहीं किया जिंदगी में। नहीं ये औरतों वाला आजकल तो मतलब जेंट्स भी दुनिया के सबसे अच्छे जो शेफ होते हैं वो आदमी मर्द हजरात होते हैं। हाँ होते तो हैं, उनका तो उतना उनका तो काम है ना, वो तो बनाता हूं। लेकिन वो भी तो औरतों वाला काम करते हैं, लेकिन चलो इसके अलावा भी औरतों वाले काम होते हैं, चुगलियां करना, कान में बातें करना। बिल्कुल नहीं करती ईद का प्रोग्राम में, ये काट दे बात, ठीक है मेरी एक मिनट के लिए। ऐसे कह रहा हूँ, हाथ मान दी। हाँ इनका कोड ऐसा बेतुके कोड़े बजे हुए हैं बेतुके। नहीं मुझे तो लगता है ये कोड पानी में पड़ा रहा है और वो उसकी पत्तियां निकल आई है। यार मैंने अभी तक और नहीं किया, आज ही पूरा शो मैथ के कोड को डेडिकेट किया। यार सिद्दीकी साहब कैसा कोड पहने, जैसा भी पहनते हैं झुकते हो। अच्छा सीवी साहब रह गई, सीवी साहब आप मैथ के कोड के वाले से क्या काम? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं तो पता नहीं इसी को डेंगू वायरस लग रहा है। बाबो बाहर आपकी शख्सियत है वैसे ही। फूला नहीं समा रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी आप जरा गेम खेली जाए आप लोगों के साथ, छोटी सी गेम फिर से। ईद वाले दिन भी गेम, पता नहीं कुछ ईद वाले दिन है ना गेम्स का दिन। आप वैसे अगर उमला आज जो है ईद का दिन है, कुछ गोश्त पर बात करते, पकवानों पे जा रहे हैं, आप गेमें ही खेले जा रही हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप खेल लेंगे, मैं आप लोग भी तो उसी गेमों का हिस्सा होते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा जी दिमाग की दही, ये है सेगमेंट का नाम हमारे, दिमाग की दही, ठीक है जी, जिसका नाम इतना मुश्किल है तो क्या क्या दिमाग की दही, दही खाते हैं ना आप? अच्छा वो दिमाग, ये दिमाग की दही करते हैं अक्सर लोग। अच्छा अच्छा जी असलम अकरम का बेटा है, अकरम असलम के बाप का क्या है? असलम अकरम का बेटा है, अकरम असलम के बाप का क्या है?
क्या है भाई? कोता हिसाब दो, हिसाब दो इस बात। कोता अकरम असलम अकरम का बेटा है। अकरम असलम के बाप का क्या है? उसका बेटा है, नाम है उसका, नाम है। बाप ही है अकरम, खुद बाप है, खुद अकरम बाप ही था। अच्छा जी, पीटीआई नंबर ले गया। अच्छा जी, पीटीआई के नंबर है सारे। टीम इक्की है, टीम इक्की है ना, बारी बारी रहेगा। अच्छा जी, जिस्म के इस हिस्से का नाम बताएं। इस जुमले में से किसी कोई भी जवाब दे सकता है। अफ्रीका के हाथी बहुत बड़े होते हैं। हाथ, अफ्रीका के हाथी, ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या बात है, ज़ाहिर है आप सियासतदान लोग हैं जी, ज़ाहिर है ज़हीन लोग होते हैं। स्किप कर रहे थे। राहत अली खान ने अपनी पहली परफॉर्मेंस कब दी थी? 9 साल, 7 साल, 12 साल, कितने? 7 साल, 9 साल एक तालाब में 50 मछलियां, 20 शिकारी ले गए, 5 डूब गईं, बाकी कितनी बचेंगी? अमानत बताओ, बाकी 30 वो जो डूबी बीच में है, सारी बीच में ही है। आपका कोर्ट बहुत अच्छा, घूम करके इस कोर्ट में आए हो। अच्छा जी, अगर सारी कोर्ट से अगर बिजली वाली ट्रेन जुनूब की तरफ से आ रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? बिजली की ट्रेन का धुआं ही नहीं होता। अरे वाह, सियासतदानबाजी ले गए। ये तरीके साहब की गवर्नमेंट होनी चाहिए। आंधी हो या तेज हवा, कभी बुझने एक ना दिया, कभी बुझे एक ना दिया। बताएं यार आप, आंधी हो या तेज हवा, मेरे से साल बड़े आप, मेरे से साल बड़े, बताएं ना। बताएं। पर छोटा तू ना। सिद्दीकी साहब का कोट थोड़े से दही में काली मिर्च ज्यादा डाली हुई है। मुझे 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 लग रहा है कि आप जितनी कोट की तारीफें कर रहे हैं ना, ये आपको कोट ले जाएंगे। कोट दे दूंगा नहीं, कोट ले जाएंगे, कोट देख कोट ले जाऊंगा। कोट मुझे कोट ना ले जाना, मैं झुकते नहीं करूंगा। अच्छा जी, मेरी पहेली वही रह गई। आंधी हो या तेज हवा, आंधी हो या तेज हवा, कभी बुझे ना एक दिया। रात को अगर आंधी और तेज हवा है तो फिर चांद है, और दिन में है तो फिर सूरज है। मैंने तो कभी गुरूर ही नहीं किया, अपने करना ही नहीं। ना जी ना, मौला जाने, गुरूर क्या करना, मौला जाने, मौला जाने। अच्छा जी, इंग्लैंड के सदर का, मौजूदा सदर का नाम बताए। जो बोरिस जॉनसन है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना। क्या पूछा था? सदर का नाम बताएं। जो पेशा बदलते हैं ना, क्या इस बात, बस मुझे जुमला नहीं लगाना, ये लगा दे प्लीज, लगाए ना मजा। आया हुआ था, मैंने रुकवाया है। यार सदीकी साहब कोर्ट गए, सड़क में बैरिंग हुई है यार, क्या। अगला सवाल पूछो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं तो एक और, अच्छा अच्छा, अगले सेगमेंट ये सड़क में बैरिंग हुई, अच्छा अगले सेगमेंट में उतार के उल्टा पहन ले दो। नहीं अंदर से काला ही है, पहना जा। अच्छा 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 जी, एक बंदे के पीछे पुलिस लगी है, उसके पास 3 कमरे हैं छुपने के लिए। एक कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में शहद की मक्खियां हैं, और तीसरे कमरे में 100 साल से भूखे शेर बंद हैं। तो वो किस कमरे में जाएगा? गिरफ्तारी दे दे। 100 साल से, 100 साल से भूखे, प्लास्टर के शेर है, मरे नहीं अभी तक। यही बात, मैं जीत गया। अच्छा जी, बस अब मेरे ख्याल से काफी हो गई, अब कोर्ट पे आते हो। नहीं, आपने आज तक खाना क्यों नहीं पकाया जी? मैंने सही तो बता रहा हूँ, तो इसके हाथ से खाता कोई नहीं। नवाजा साथ बैठ के खा लेते, वेरी बैड। ये जवाब दे, इस बात का बदला नहीं, मैं तो नहीं, मैं छोटी बात का जवाब नहीं देता। इन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने।
خیر تو آپ کا کیا میسج ہوگا عید کے عید کے موقع پہ مہمانوں سے؟ سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو میسج یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور خاص کر یہ ہے کہ گوشت جو ہے وہ ذخیرہ نہ کریں، جس طرح تین حصے ہوتے ہیں، جو ایک رشتہ داروں کا اور ایک گھر کا اور تیسرا، بلکہ گھر والا بھی آج کل بانٹ ہی دینا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگوں تک وہ جائے گا آپ کی قربانی جو ہے وہ اتنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ زبردست، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، محبتیں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں، علم اور محبت ضرور بانٹنی چاہیے۔ زبردست، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ عید پہ صرف گوشت نہ بانٹیں، خوشیاں بھی بانٹیں، اور جو لوگ نہیں قربانی کر سکتے، جن میں استطاعت نہیں ہے، ان کو زیادہ خیال رکھیں، ان کے خوشیوں میں آپ شریک، ان کو لباس کے ہر چیز کی جس کے ذریعے ان کی طرح ہیلپ کر سکتے ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ صرف گوشت کا نہیں، اصل مقصد اس کا ایسنس کو سمجھیں کہ اس کا عید کا مقصد کیا ہے، کہ اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کے ساتھ مل کے منانی ہے، سب کے ساتھ خوشیاں کو بھی بالکل منانا چاہیے، اور جذبات کی قربانی دینا بھی، اپنے جذبات کی قربانی دینا بھی، اپنی فیلنگز کی قربانی دینا بھی بہت، اصل یہ ہے عید، اس چیز کا نام یہی ہے۔ آپ کا میسج کیا؟ میرے لیے تو ساری عمر عید ہے، میں نے کسی کو ناراضی نہیں کیا زندگی میں، ویری گڈ، مگر چند صاحب تو ہمیشہ خوشیاں ہی بانٹتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی ناراضی نہیں کیا کسی، اور روٹھا نہیں ہوں، وہ یہ بات آ گئی کہ عورتیں روٹتی ہیں۔ اچھا آپ بڑی اس وقت ہٹ جا رہی ہیں اینکر ہیں جی، تو انہوں نے فرمائش کی ہے نا کہ ایک جگت ہونی چاہیے، ہاں، لیکن وہ آپ دونوں کے مسائل کی سیٹلمنٹ میرے کورٹ پہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ جگت کو جگت سمجھے گا، پلیز غصہ نہ کیجیے گا، 150 سال پہلے جب جس کو پھانسی دیتے تھے نا، اس کو ایسا کورٹ پہ نہ دیتے تھے، دیکھیں عید کا دن ہے، اور کیونکہ جس طرح قربانی ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ لوگ ہر دفعہ ایسا، یہ میں نے کہا پتہ کہنے لگے سوری کہ عید کا دن ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے، اصل میں یہ کوٹ جو ہے نا، یہ کوٹ انہوں نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ سمجھ دینے کہ چلو سال بعد، 6 مہینے بعد کتنے فالسا لگ جائے گا، بالکل محبت کا درس ہمیں دینا چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ کیا بہترین بات، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، ہمیں عید والے دن آپ سب نے جوائن کیا اور ہمارے ساتھ ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہوئے، جاگو لاہور کی سیٹ پر شکریہ، ہم بلکہ ہم سب ادا کرتے ہیں لاہور ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اتنے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کی مہربانی ہے جو ہمیں بلایا، ایسے ایسے کوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، مہربانی آپ کی، ہماری تو ہمارے فینز کے ساتھ، نہیں نہیں آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جو جی خان صاحب سے ایک بالکل ایک ہپ ہاپ بھنگڑا ہے وہ، آپ تو خبریں بھی پڑھتے ہیں نا، میں نے دیکھا اصل کام ہوئی، اچھا اس کا مطلب سمجھدار آدمی ہے، خبریں پڑھتے ہیں، یہ اچھی تھی آخری پہ، کوشش کوشش، گانا سنتے ہیں، ہم سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، زبردست، اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہی نہیں، شروع سے ہون دیو، انہوں نے کہا شرابی ہونٹ رسیلے
खिड़ 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 हसनिए सोनिए अमराते हसदे तारे खिड़ 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 हसनिए सोनिए अमराते हसदे तारे वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल और हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बातें हो रही हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कुछ हला गुला चल रहा है और भी मेहमान हैं इस सेट पर। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और ये प्रोग्राम इस तरह से आगे बढ़ रहा है आपके घर तक, आपके टीवी सेट के जरिए रौनक पहुंच रही है, रंग खुशियों के ईद के पहुंच रहे हैं। तो अब हमें सेट पर ज्वाइन किया है डॉक्टर सिंह, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। सिद्दीकी साहब मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, बोलने से पता लग गया। अच्छा बस, अच्छा मेरा इंट्रोड्यूस, मैं बड़े अच्छे अल्फाज में बड़ी कोशिश, बड़ी दो चार दिन से कोशिश कर रहा था कि आप बुरा करा दें, आप बुरा करा दें तो आप आएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा, लेकिन ये हो ना सका। नहीं, मैंने कहा आपके कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम के लारियट है इनकी मौजूदगी में ऐसे ही लग रहा है ना आपको। अच्छा अच्छा, ये हंस रहे हैं, ये आवाज कहाँ जा रहे हैं आप? पता नहीं, मैं बस स्टैंड समझ के बैठा था और बस के कोई इम्कान नहीं। आई एम सॉरी सिद्दीकी साहब, मैंने आपको रोक दिया, अब तो हो गया। ओहो, अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई पहली बात की होगी। अमानत साहब आए और वो अबैदुल्ला सिद्दीकी के हवाले से कुछ दो चार बातें ना करें, इनके कोर्ट के हवाले से मुझे चलिए कुछ कॉमेंट करें प्लीज, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। ये हाथ का बना हुआ लग रहा है, हाथ का बना हुआ जी, शुरू हो गए। आप बोलेंगे बताएं, सही बताएं, ये डिजाइन है या रंग करते हुए? ये रंग करते हुए खराब हो गया। ओ जबरदस्त, वाह जी भाई, मैं कोट मुझे दीजिएगा, मैंने बारिश में नाम है। क्या ख्याल है, जबरदस्त है वैसे, अच्छा रेनकोट रहेगा कसम से, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो तो हम कॉमेडी अपने मजबूर हैं, जो कर रहे हैं, जुबते कर रहे हैं, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, चलिए ठीक है, थोड़ी देर बात कराएंगे। जी जी, अच्छा इसी 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 सेट पर हमारे साथ, क्योंकि जैसे कि बता दिए गए सेट तो है नहीं, ये क्या है आप समझ ही गए। खैर बहरहाल, ये जागो लाहौर सेट है और हमें डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक रखती हैं ये और रुकने कौमी असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सबको, ईद मुबारक आपको सबको। ईद कैसी गुजरती है सीमी जी? ईद तो बहुत बिजी गुजरती है क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में भी हैं तो अपने आवाम के साथ भी टाइम देना जरूरी होता है, चाहे वो छोटी ईद हो या बकर ईद हो, तो दोनों में मैं अपने हल्के के लोगों का जरूर साथ देती हूँ। जबरदस्त, तो घर पे कुकिंग वगैरह मेहमानों के आने का सिलसिला? जी ये बिल्कुल, सुबह तक बकर ईद पे तो स्पेशली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, वो कुर्बानी करवाएं और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है किचन में, ये बन रहा है, कोई बच्चों की फरमाइश, कलेजी चाहिए, तो कोई आपा बकरा सादा लेके आए या सियासी? बकरे का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं। आपकी कैसी गुजरती है? बस ऐसे ही गुजरती, जैसे आपके साथ गुजर रही है। आपने तो सिद्दीकी साहब ने अपना कोट याद है, छोटी ईद पे इफ्तिखार ठाकुर साहब थे और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं होने दिया था। जी हाँ, शिद्दत से महसूस हो रही है। उन्होंने तारीफी कलमात अदा किए थे जो तारीखी जुमले थे और उबैद ने अपने हर सोशल मीडिया फोरम पे वो शेयर किए थे और नहीं, उनकी तरफ से प्यार था, मोहब्बत। आपकी ईद कैसे गुजरती है? सीधा सीधा जवाब, सीधा जवाब, खुशियों से गुजरती है, जाहिर है बच्चों से जी जो गुजरती है। कुर्बानी खुद करते हैं? हाँ जी, जानवर खुद काटते? बहुत अच्छे, खुद नहीं काटते, मैं बड़ा नाजुक आदमी हूँ। गुड्डी नहीं कटती, मुझे मजा आ रहा है। आपको ईद का देना, मेरे ख्याल आप भी नहीं माइंड करेंगे, वैसे तो बड़े अच्छे इंसान है। सिद्दीकी साहब ने कोट ना अपना टांगा तो बीच में चिड़िया घुस गई, उन्होंने कहा पता नहीं घोंसला है। अगली बार मैं तुम ये कोट पहनोगे? मैं ऐसा कोई कोट नहीं पहनूंगा। अच्छा वैसे पिछली बार मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने 50,000 रुपए का फ्रिज लिया और गोश्त 1 किलो भी इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो ज्यादती हुई। यार ये होता रहता है जिंदगी में, मैं 1.5 टन का एसी लाया हूँ, 1.5 टन का कर लिया, तो 15 किलो निकला, 1.5 टन का कह रहे थे, 15 किलो का निकला। ये तो बड़ा जुल्म है। खैर इसी के साथ आपका तो ये चलता रहेगा सिलसिला, आपके लिए मेरा कोट हाजिर है। तो उबैदुल्ला सिद्दीकी और इनका कोट आपको दिया हमने, सिर्फ मेरा कोट, सिर्फ मेरा कोट। जो जी साहब कुछ गुनगुना दें, थोड़ी क्यों नहीं जा रहे, थोड़ी देर मेरी बचत, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं आपको बताता हूँ, कैमरे बंद करवा के आप गाना गा दें कोई हमारे लिए। Yeah.
मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मैंने किया है तुमसे प्यार मेरा मौला जाने दिल को किया है बेकरार मेरा मौला जाने मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने जितना लगाया दिल तुमसे अगर दिल रब से लगाया होता है क्या जमीन वो आसमान भी मैंने झुकाया होता जितना लगाया दिल तुमसे अगर दिल रब से लगाया होता है क्या जमीन वो आसमान भी मैंने झुकाया होता कलाम है और कभी इसको आपने लॉन्च कर दिया है या अभी होने वाला है जी अभी किया है आपके साथ जबरदस्त कमाल हो गया सेट को तो डबल ट्रीट हो गई है बहुत जबरदस्त बहुत मजा है लैला सिद्दीकी साहब आप एंकर हैं आप बड़े ज़हीन लोग होते हैं लैला आजकल लीला चल रहा है सुना लैला काली थी आज दिन तो लेलों का है सर मैंने इसलिए पूछा ना सुना है लैला की आपको फिक्र है काले कोट की आपको फिक्र है क्या है आप लैला डे काले रंग से पास क्या मसला आज तो मानो संसम आज लैला डे है लैला लैला आज लैला डे है आप किधर लैला के चक्रों में पड़े अच्छा अच्छा मैंने सुना है लैला काली थी मैंने इसलिए पूछा आपको किसने नहीं आप पैर ना बनाए ना बोला आप जबरदस्ती जोड़ी बनाने के लिए यार मेरी बात सुने आप जबरदस्ती जोड़ी ना बनाए आजकल आज का दिन जो है ना जोड़े बड़े अच्छे बिक रहे हैं जोड़ी का की लेने अच्छा एक मिनट माफी चाहता हूँ कई लोग ढेरी का भी सौदा कर लेते ये बात भी ठीक है मैं कोर्ट में कह रहा था अच्छा डिजाइन है ऐसे रुमाल सुमैया के ऊपर डाल कर देकर जाते आप लोगों की मर्द जात ईद के मौके पे तो कुकिंग करते हैं आप लोगों के घर वालों को ये शर्फ हासिल यानी कि काम भी हम करें कुकिंग भी हम कौन से मर्द हजरात कुकिंग करते हैं कुकिंग नहीं मैं बताता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आप नहीं करते शायद आप मेरा ख्याल है लेकिन आर्टिस्ट सारे झुमला पूरा होना जरूरी है ये सारे ये तो मजाक की बात है माशाल्लाह अपना अपना शौक होता है जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं ना मसलन के मेरा ख्याल है नवाज अंजम साहब बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं यकीनन बिल्कुल सही अच्छा जी मैं खुद भी मैं मुझे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं औरतों वाले काम नहीं किया जिंदगी में नहीं ये औरतों वाला आजकल तो मतलब जेंट्स भी दुनिया के सबसे अच्छे जो शेफ होते हैं वो आदमी मर्द हजरात होते हैं हाँ होते तो हैं उनका तो उतना उनका तो काम है ना वो बनाता हूँ लेकिन वो भी तो औरतों वाला काम करते हैं लेकिन चलो इसके अलावा भी औरतों वाले काम होते हैं चुगलियां करना कान में बातें करना बिल्कुल नहीं करती ईद का प्रोग्राम में ये काट दे बात मेरी एक मिनट के लिए ऐसे कह रहा हूँ मैंने हाथ मांग दी हाँ इनका कोड़ा सा बेतुके कोड़े बजे हुए हैं
मुझे तो लगता है ये कोर्ट पानी में पड़ा रहा है और वो उसकी पत्तियां निकल आई है। यार मैंने अभी तक गौर नहीं किया। आज ही पूरा शो मैथ के कोर्ट को डेडिकेट किया आपने। यार सिद्दीकी साहब कैसा कोर्ट पहने, जैसा भी पहनते हैं। अच्छा सीवी साहब में रह गई, सीवी साहब आप मैथ के कोर्ट के वाले से क्या काम? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं इसी को डेंगू वायरस लग रहा है। बाबा बाहर आपकी शख्सियत है वैसे ही आपका कोर्ट तारीफ हो गई। जबरदस्त नहीं अच्छा लग रहा है। कोर्ट जो है ना फूला नहीं समा रहा। वेरी गुड वेरी गुड। ये जुगते इनकी तारीफ है, अच्छा लग रहा है कोर्ट तो। अच्छा जी आप जरा एक गेम खेल लीजिए आप लोगों के साथ, छोटी सी गेम फिर से। ईद वाले दिन भी गेम, पता नहीं कुछ ईद वाले दिन है ना गेम्स का दिन। आप वैसे अगर अल्लाह आज जो है ईद का दिन है, कुछ गोश्त पर बात करते, पकवानों पे जा रहे हैं, आप गेमें ही खेले जा रही हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप खेल लें गेमें, आप लोग भी तो गेमों का हिस्सा होते हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा जी दिमाग की दही, ये है सेगमेंट का नाम हमारे, दिमाग की दही। ठीक है जी, जिसका नाम ही इतना मुश्किल है तो क्या क्या दिमाग की दही, दही खाते हैं ना आप? अच्छा वो दिमाग, ये दिमाग की दही करते हैं अक्सर लोग। अच्छा जी असलम अकरम का बेटा है, अकरम असलम के बाप का क्या है? असलम अकरम का बेटा है, अकरम असलम के बाप का क्या है? क्या है भाई? होता हिसाब दो हिसाब दो इस बात की। होता अकरम असलम अकरम का बेटा है, अकरम असलम के बाप का क्या है? उसका बेटा है, नाम है उसका, नाम बाप ही है, अकरम खुद बाप है, खुद अकरम बाप ही तो है। अच्छा जी पीटीआई नंबर ले गया। अच्छा जी पीटीआई के नंबर है सारे, टीम इक्की है, टीम इक्की है ना, बारी बारी ले। अच्छा जी जिस्म के इस हिस्से का नाम बताएं, इस जुमले में से किसी कोई भी जवाब दे सकता है। अफ्रीका के हाथी बहुत बड़े होते हैं। हाथ राहत अली खान ने अपनी पहली परफॉर्मेंस कब दी थी? 9 साल, 7 साल, 12 साल, कितने? 7 साल। 9 साल एक तालाब में 50 मछलियां, 20 शिकारी ले गए, 5 डूब गई, बाकी कितनी बचेंगी? अमानत बताओ, बाकी 30 वो जो डूबी बीच में है, सारी बीच में ही है। आपका कोर्ट बहुत अच्छा, घूम करके इस कोर्ट में आए हो। अच्छा जी अगर बिजली वाली ट्रेन जुनूब की तरफ से आ रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? बिजली की ट्रेन का धुआं ही नहीं होता। अरे वाह, सियासतदान लेंगे। ये तरीके शाम की गारंटी होनी चाहिए। आंधी हो या तेज हवा कभी बुझने एक ना दिया, कभी बुझे एक ना दिया, बताए यार आप। आंधी हो या तेज हवा कभी मेरे से साल बढ़े, आप मेरे से साल बढ़े बताए ना। बताएं। पर छोटा तू ना सिद्दीकी साहब, कोर्ट थोड़े से दही में काली मिर्च ज्यादा डाली हुई। मुझे 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 लग रहा है कि आप जितनी कोर्ट की तारीफे कर रहे हैं ना, ये आपको कोर्ट ले जाएंगे। कोर्ट दे दूंगा, नहीं कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट दे के कोर्ट ले जाऊंगा। कोर्ट मुझे कोर्ट ना ले जाना, मैं जुगते नहीं करूंगा। खामोशी खा गए। अच्छा से मेरी पहेली वही रह गई, पहेली रह गई। आंधी हो या तेज हवा, आंधी हो या तेज हवा कभी बुझे ना एक दिया। रात को अगर आंधी और तेज हवा है तो फिर चांद है, और दिन में है तो फिर सूरज है। मैंने तो कभी गुरूर ही नहीं किया, करना भी नहीं। जी ना मौला जाने, गुरूर क्या करना, मौला जाने, मौला जाने। अच्छा जी इंग्लैंड के सदर का, मौजूदा सदर का नाम बताए। जो बोरिस जॉनसन है, वो प्राइम मिनिस्टर है ना। क्या पूछा था? खुद सियासी आदमी हूँ। जबरदस्त वेरी गुड। फॉरेन से जो पेशा बदलते हैं ना क्या इस बात, बस मुझे जुमला नहीं लगाना, ये लगा रहे, प्लीज लगाए ना। मतलब आया हुआ था, मैंने रुकवाया है। यार सदी की सवा कोर्ट गए, सड़क में बैरिंग हुई है यार, क्या।
अगला सवाल पूछो ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नहीं तो एक और। अच्छा अच्छा अगले सेगमेंट ये सड़क में बैरिंग हुई। अच्छा अगले सेगमेंट में उतार के उल्टा पहन ले दो। अंदर से काला ही है। अच्छा 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 जी। एक बंदे के पीछे पुलिस लगी है, उसके पास तीन कमरे हैं छुपने के लिए। एक कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में शहद की मक्खियां हैं और तीसरे कमरे में 100 साल से भूखे शेर बंद हैं। तो वो किस कमरे में जाएगा? गिरफ्तारी दे दे। 100 साल से 100 साल से भूखे प्लास्टर के शेर है, मरे नहीं अभी तक। यही बात। मैं जीत गया। अच्छा जी बस अब मेरे ख्याल से काफी हो गई, अब कोर्ट पे आते हो। नहीं आपने आज तक खाना क्यों नहीं पकाया जी? मैंने सही तो बता रहा हूँ, तो इसके हाथ से खाता कोई नहीं। यार, साथ बैठ के खा लेते। वेरी बैड। ये जवाब दे, इस बात का बदला नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। मैं छोटी बात का जवाब नहीं देता। ये इन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने की। खैर तो आपका क्या मैसेज होगा ईद के, ईद के मौके पे मेहमानों से, कि सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को? मैसेज यही है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और ख़ासकर ये है कि गोश्त जो है वो ज़खीरा ना करें। जिस तरह तीन हिस्से होते हैं, जो एक रिश्तेदारों का और एक घर का और तीसरा, बल्कि घर वाला भी आजकल बांट ही देना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों तक वो जाएगा आपकी कुर्बानी जो है वो उतना आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटें। मोहब्बतें बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। इलम और मोहब्बत जरूर बांटनी चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की। उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ईद पे सिर्फ गोश्त ना बांटे, खुशियाँ भी बांटे, और जो लोग नहीं कुर्बानी कर सकते, जिनमें इस्तात नहीं है, उनको ज्यादा ख्याल रखें, उनके खुशियों में आप शरीक, उनको लिबास के हर की जिस किसी उनकी तरह हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये सिर्फ गोश्त का नहीं, असल मकसद इसका एसेंस को समझें कि इसका ईद का मकसद क्या है, कि अपने इर्द गिर्द के सब लोगों के साथ मिलकर मनानी है, सबके साथ खुशियां को भी बिल्कुल मनाना चाहिए, और जज्बात की कुर्बानी देना भी, अपने जज्बात की कुर्बानी देना भी, अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी देना भी बहुत। असल ये है ईद, इस चीज का नाम यही है। आपका मैसेज क्या? मेरे लिए तो सारी उम्र ईद है, मैंने किसी को नाराजी नहीं किया जिंदगी में। वेरी गुड, मदर चंद साहब तो हमेशा खुशियां ही बांटते हैं। जिंदगी में कभी भी नाराज नहीं किया किसी, और रूठा नहीं हूँ। मेरे बड़े कहते थे वो ये बात आ गई कि औरतें रूठती है। अच्छा आप बड़ी इस वक्त हिट जा रही हैं एंकर हैं जी, तो इन्होंने फरमाइश की है ना कि एक जुगत होनी चाहिए, एक और कोर्ट के। हाँ लेकिन वो ये आप दोनों के मसाइल की सेटलमेंट मेरे कोर्ट पे क्यों होती है? आप जुगत को जुगत समझेगा, प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा। 150 साल पहले जब जिसको फांसी देते थे ना, उसको ऐसे कोर्ट पे ना देते थे। देखिए ईद का दिन है, और क्योंकि जिस तरह कुर्बानी हो रही है, और माशाल्लाह लोग हर दफा ऐसा, ये सॉरी कि ईद का दिन है, थोड़े थोड़े पैसे करते, थोड़ा असल में ये कोर्ट जो है ना, ये कोर्ट इन्होंने इसलिए पहना हुआ है कि समझे ने कि चलो साल बाद 6 महीने बाद कितने फालसा लग जाएगा। बिल्कुल पक्की लगी। मोहब्बत का दर्द समय देना चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए। वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या बात है, बेहतरीन बात। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, हमें ईद वाले दिन आप सबने ज्वाइन किया और हमारे साथ हमारी ईद की खुशियों में शरीक हुए। जागो लाहौर की सेट पर शुक्रिया हम बल्कि हम सब अदा करते हैं लाहौर टीवी का, कि उन्होंने हमें बुलाया और इतने मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ। आपकी मेहरबानी है जो हमें बुलाया, ऐसे ऐसे कोर्ट देखने को मिलते हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जी खान साहब से बिल्कुल एक हिप हॉप भंगड़ा है वो, आप तो खबरें भी पढ़ते हैं है ना, मैंने देखा है। असल काम वही। अच्छा इसका मतलब आप समझदार आदमी हैं। ये अच्छी थी आखिरी में, चले जी गाने सुनते हैं। हम सभी खड़े हो जाते हैं, जबरदस्त। इसमें हमें क्या ऐतराज ही नहीं, शुरू से होने दो। उन्होंने कहा
let's go, here we go, push the tempo. Husnadi sarkare ni tera roop mare lashkare. Husnadi sarkare ni tera roop mare lashkare. Jado khid 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 hasniye soniye amrate hasde tare. Khid 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 hasniye soniye amrate hasde tare. Kid, 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 hasniye soniye amrate hasde tare. Kid, 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 hasniye soniye amrate hasde tare. खुशियाँ तो हम मना रहे हैं और अब हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो हमारी सेलिब्रेशंस में हमारी खुशियों में हमारे शो का हिस्सा बनेंगे और इस सेट को चार चांद लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो पहले मेहमान जिनका मैं तारुफ करवाती चलूं, वैसे तो किसी तारुफ की उनको जरूरत नहीं है, कवाली की दुनिया का एक बड़ा नाम है और जब आप उनको सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, उनकी कवाली सुनते हैं, उनका कलाम सुनते हैं तो आप इतना मस्त और मगन हो जाते हैं कि आपको वैसे होश नहीं रहता। वैसे कवाली है भी ऐसी चीज और जब उनके मुंह से सुनी जाए तो जबरदस्त हो जाता है। शेर मियां दाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और ईद मुबारक आपको। अच्छा, इसी के साथ हमारे सेट पर हमें फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो लोग हमारे मसाइल के लिए लड़ते झगड़ते चीखे निकालते हुए नजर आते हैं उनको भी हमने बुलाया ताकि उनसे सुने कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। हम वैसे तो उन्हें देखते रहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बुशरा जो भट्ट साहिबा मौजूद हैं, पंजाब असेंबली के रुकन हैं और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर काम करना चाहती हैं, इनका एक मेन पर्पज है। तो हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं हमारे सेट पर। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून से रिप्रेजेंटेशन है तो तहरीक फड्डा भी करवाना है। हमने जी तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन भी पूरी और भरपूर रखी है। सादिया सुहेल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, रुकने पंजाब असेंबली है वो भी। और सादिया, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद मुबारक। कैसी माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे साथ ही साथ जहाँ एक तरफ मौसीकी है, सियासत है, तो फिर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, खासतौर पर आपकी आज एक मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और साथ में सिंगर भी हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। वर्सटाइल तहजीब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे सेट पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया तहजीब साहिबा, आपके भी वक्त का, आपको भी ईद मुबारक। मुबारक। चलें जी बाकायदा तौर पर शो का आगाज करते हैं और हम बैठ जाते हैं क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत है। चलें जी, अब हम बैठ गए तो गुफ्तगु का सिलसिला शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, और करना चाहिए गुफ्तगु का सिलसिला। शेर मियां दाद साहब, ईद ऑब्वियसली ये बकरा ईद होती है, इसमें मर्द हजरात ज्यादा मसरूफ होते हैं, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद बकरे के साथ ही गुजरती है और बस ये होता है कि कम वक्त बकरे के साथ भी कम वक्त गुजरता है क्योंकि सुबह उसको फिर अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ता है। तो होता है क्योंकि रात अगर वो जानवर होते हैं, दिल को तो कुछ होता है, फिर वो कहते हैं ये कुर्बानी इसी का नाम है। हाँ। कि किसी को जाता हुआ देख के सबसे ज्यादा आती है बच्चे जो सुबह, तो बच्चे तो वो कहते हैं हम देख ही नहीं सकते कांट से। तो बहरहाल अपनों में बैठ के ईद का मतलब भी ये है और ऊपर से बकरा ईद जब आए तो उसका मतलब यही है कि आप तो जिन लोगों को अल्लाह पाक ने दिया हुआ वो तो हर रोज खा सकते हैं। और ये बकरा ईद बनी इसलिए थी कि गरीबों में तकसीम किया जाए सारा कुछ। तो अच्छा बुशरा साहिबा, सियासत के ऐवानों में तो आपकी कारकर्दगी सबको पता ही है, ये ईद कैसे मनाती है? बड़ी ईद खास तौर पे आपको भी मसला होता है कुर्बानी का जानवर करते हुए नहीं देख सकती, इस तरह के कुछ मसले मसाए? मेरे मसले जाहिरी बात है कुर्बानी से थोड़ा सा मुझे नॉट टू फॉन्ड ऑफ द होल वो जो खून खराबा इतना होता है। लेकिन ये कि मैं जो है ना अपनी सेकेंड डे जो होता है कुर्बानी, मैं जाके अप नॉर्थ करती हूँ।
ओके और रीजन बीइंग कि कुछ अरसे से मैं और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि यहाँ तो सब कुर्बानी करते थे और इतना ज्यादा गोश्त के मतलब जो आवाम को इतना ज्यादा मिल जाता है कि बीमार भी हो जाते हैं खा खा के। लेकिन वहां पे ना मैंने जाके देखा बाय चांस ही एक दफा हमने की कुर्बानी और हमने देखा कि वो कोई भी नहीं कर रहा था। अयूबिया में मेरे इन लॉ सा घर है तो फिर तब से हमने ये फैसला किया कि हम जो है ना कुर्बानी एक ऊपर जाके भी मतलब नॉर्दर्न एरिया में भी अपने घर में करेंगे। और वो माशाल्लाह वो आई एंजॉय दैट सो मच बिकॉज वो पूरा गांव आता है। अच्छा। और वो जिस तरह खूबसूरती से वो हालांकि मैंने कहा ये आप लोगों ने ही खाना है लेकिन वो इस तरह तोलते हैं एक एक हिसाब बनाते हैं और हर घर में वो गोश्त जाता है क्योंकि वो छोटा सा विलेज है। तो आई रियली एंजॉय दैट। जबरदस्त ठीक है खाते हैं तो लगाते भी हैं साजी साहब कश्मीरी अल्लाह ये सीरियस सियासत वाली बात मैंने नहीं ये पॉलिटिकल बात की ये मैंने पॉलिटिकल बात नहीं नहीं मतलब खाते हैं तो लगाते भी हैं यूट्यूब जाके देखो आप लोगों को भी खिला रहे हैं। अच्छा साजी साहब कश्मीरी हो और ईद पर पकवान ना पके ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद भी मैंने सुना है बहुत अच्छी कुकिंग करती है ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही। और असल में जो हमारी बकरा ईद होती है असल में तो कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को दिया गया कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी अपनी महबूब चीज की कुर्बानी अल्लाह की राह में करना यही मेन कॉन्सेप्ट था। और मैं एनिमल लवर भी बहुत बड़ी हूँ और मैं उन बकरियों को काफी दिनों से पालती हूँ और इतने अटैच हो जाते हैं कि एक तो बड़ा घरेलू सा बकरा था वो तो बकायदा माँ माँ बोलता था और मुझे लगता था कोई मेरा वो एक बार वो एक मेरा वो हैंड फ्री बच्चों के वो भी खा गया बड़े मजे से और वो इतना अटैच हो गया का बच्चा था और करना शुरू कर दिया आपके बकरे ने। लेकिन यकीन माने सारी सारी रात मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ तभी वो ज्यादा आप अंदर जाओ ना जो आप ऐसे बकरे लो जो घरों में पले होते हैं उनको आदत होती है वो बिल्कुल फैमिली के फर्द की तरह होते हैं। तो मैं जरा जानवर की साइकी पे भी बड़ा करती हूँ तो मैं जब उनको कुर्बानी का होता है तो मैं तो उस टाइम मैं और मेरी बेटियां हम तो अंदर बैठ के रो रहे होते हैं क्योंकि इतना वो उनका आवाज मैं नहीं चाहती मेरे कानों में आवाज आए लेकिन बहरहाल ये एक फरीजा एक सामी फरीजा है और अल्लाह की राह में है इसलिए एक अच्छी फीलिंग भी होती है। और लेकिन गोश्त काटना और बनाना ये सारी मेरी जिम्मेदारी और पहले दिन मेरे घर 60-70 लोग फैमिली के आते हैं जिनका खाना होता है करीबन और सब खाना, खाना बनाती हैं सब मैं खुद बनाती हूँ काटती भी खुद हूँ इससे भी खुद करती हूँ। कहाँ होती है किस टाइम होती है हमें पता चलेगा बाद में हम छापा लगा देंगे आप लोग मोस्ट वेलकम। मैंने एक काम कभी नहीं किया जैसे मैं देखती हूँ लोगों के घर से राने आती है किसी के घर से कुछ आ रहा है मैंने कभी राने ये वो पसंद के अलग करके जो चिचड़े बच जाते हैं हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं सारा गोश्त इक्वल करवा के बिल्कुल इक्वल हिस्से करा के जो गरीबों का हिस्सा है उनको वो चर्बियां वो ना दें। हम तो फिर भी हमें खाने को मिलता है सारा साल लेकिन वो लोग जो सारा साल इंतजार करते हैं और ईद पे ही उनको गोश्त खाने को मिलता है तो उनको तो मेरा ख्याल उनको अच्छा अच्छा। तहजीब साहब आपकी तरफ आते हैं आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। कैसे पूरा दिन क्या एक्टिविटीज होती आपको है भी यही है कि बकरा कटते हुए नहीं देखा जा सकता? हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है क्योंकि लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है सारी रात मैं बकरे के पास बैठी रहती हूँ कि सुबह चले जाना है फिर सुबह मुझे रोना आता है बकायदा किसी का नाम शायद कुर्बानी है कि अपनी पसंद की चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दी जाए फिर जब ये कुर्बानी का सिलसिला चला जाता है तो फिर अपनी तैयारी का सिलसिला हाँ, वो भी एक बड़ा टास्क है लड़कियों के लिए 2-3 घंटे। अच्छा, तो ये वैसे एक बात है कि पंजाब असेंबली की हमारी जो खवातीन अरकान है वो अच्छी खासी तैयार तो ईद पे उसी तरह तैयार होती है जिस तरह से अच्छा आप तैयारी की उम्मीद ने पॉइंट आउट किया और हम अभी पहले यही डिस्कशन कर रहे थे कि पंजाब असेंबली की जो खवातीन है इन पे बकायदा पूरी रिपोर्ट बनती है इनकी तैयारी पे बुशरा चश्मों से लेके जूतों नेगेटिवली उस चीज को हाईलाइट किया जाता है बल्कि बड़े फनी फनी उस पे लगने वाले गानों से गाने हाँ। भी अच्छा। हैं उसको रिडिक्यूल भी किया जाता है बिकॉज थोड़ा सा वैसे कॉन्फ्लिक्ट है कि जी रिजर्व सीट की खवातीन जो है दे डोंट टेक देम सीरियसली कि उनका कोई काम नहीं है हालांकि वी आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स वी आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स और फिर जब हम पे वो गाने लग जाते हैं ना तो मैं तो कहती हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं करारदार पेश करना चाहती हूँ कि इन आवर वर्क एनवायरमेंट वर्क प्लेस आके हम ही पे तमस्खर उड़ाना तो उस चीज को थोड़ा नॉन सीरियस यानी ये हम लोगों के लिए एक और मसला आइंदा आने वाले दिनों में होगा। तहरीक इंसाफ की को भी यही मसला है सादिया कि मैं ये समझती हूँ जो आपकी मेंबर खवातीन अच्छा एक तो वो ये करते हैं फिर अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आप सम टाइम डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं पाकिस्तान के पहले वजीर आला का नाम या वजीर आजम का नाम बता दें कर लें उससे एम्बेरस करते हैं आप सम टाइम एकदम आपके दिमाग में कुछ चीजें नहीं होती है आपकी और सोच में
अच्छा फिर उसको चलाएंगे उसको फनी अंदाज में रिडिक्यूल करेंगे। खवातीन पे ज्यादा करते हैं, बहुत करते हैं ये पर्दों में करके रह ले। और मैं आपको बताऊं हर औरत को तरीके से तैयार होने का हक है। खवातीन बड़े तरीके से आती हैं तैयार होके, बड़े अच्छे लिबास में ख्याल से वो फ्लोर पे अगर आप ड्रेसअप होके जा रहे हैं इन अ वेरी गुड वे तो इट्स गुड होता है। नॉर्मल ड्रेसअप होता है। हर बारी हर चीज को ये कहती हूँ कि इट्स आवर वर्क प्लेस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो खवातीन जब जाती हैं दे हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन मैनर। जब आप उसको नेगेटिवली हाईलाइट करते हैं कि जी आवाम को रिप्रेजेंट करने वाली खवातीन इतना मेकअप के ऊपर नहीं, सबको हक है। अच्छा शेर साहब आपकी तरफ आते हुए, आप भी तो घंटों की परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपका क्या होता है कि बहुत तैयार होकर जाना है या बस इजी रहूं? मैं अपनी आम जिंदगी में कैजुअली इस तरह रहता हूं, जब स्टेज पर जाना हो तो जिस तरह माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा कुर्ता पहन लिया, थैंक यू सर। मैं आपको तारीफ करने वाला था तो जिस तरह आपने प्यारे प्यारे कपड़े पहने, आपको पता है मैं यही चाह रहा था कि जरा ये कॉम्प्लीमेंट स्टेज पे ये दो ही मर्द हैं, ये एक दूसरे की जी मैं सबकी तारीफ करना चाहूंगा, सबने बड़े बड़े अच्छे। आजकल ख्याल करें ज्यादा तारीफ करना भी नुकसानदेह होता है, कोई बात नहीं इसके लिए मर्द इस बात बहुत कॉन्शियस है, सोशल मीडिया पर तो ज्यादा कॉन्शियस दिखाई देते हैं कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। ऑन स्टेज फिर वो ख्याल रखना पड़ता है, अच्छा कुर्ता पहनना पड़ता है के लोग क्योंकि फनकार को अलग देखना चाहते हैं। अच्छा कभी कभी ये होता है कि मैं हाजिरी के लिए बाबा फरीदुद्दीन सरकार में जाता हूँ, जब तो कैजुअल निकलता हूँ तो जो मुझे पसंद करते हैं ना लोग वो नाराज हो जाते हैं, आप इस तरह क्यों आ गए। अच्छा हाँ होता अच्छा, है ऐसा तो हाँ जी उनका माइंड बना होता है ना फनकार लगे जिस तरह ये टीवी पे लगता है या जिस तरह ये, तो इसका ख्याल रखता हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी आप यहाँ पे मौजूद हो और हम कुछ सुने ना, ऐसा कैसे ईद का मौका और आप कहें और मैं ना सुनूं, क्या बात है। बस ये अब एक एक हो गया स्कोर हमारा, एक एक हो गया, चलो ठीक है बैलेंस हो गया। शेर साहब फिर क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? ईद के मौका है, ईद का कुछ रिलेटेड ही सुनाऊंगा। जरूर जरूर। ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से वेलकम कहते हैं, ईद मुबारक जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ बातें हमने बहुत कर ली हमारे गेस्ट से कि कौन क्या करता है, क्या खाता है, कैसे ईद गुजारता है, गाना फिर हमने सुना, अब ये अरमला के पास कार्ड्स हैं, कुछ गेम है और खवातीनों हजरात
यहाँ पे तमाम लोग हजरात अपनी तवज्जो अरमला की तरफ कीजिए, अरमला की तरफ कीजिए। आप मेरे पास कुछ पहेलियां, इस सेगमेंट का नाम है जी चीटिंग हो रही है, नहीं मैं दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है जी। कुछ पहेलियां मैं आप लोगों से बारी बारी पूछूंगी और आप पास कर सकते हैं लेकिन एक पॉइंट आपका लूज हो जाएगा, ठीक है। टीम है ये लोग या इंडिविजुअल खेल है, या बता दें या आपकी टीम अप कर लेते, टीम अप कर लेते, एक साइड ये और एक साइड ये, ठीक हो गया। चले जी टीम ए और टीम बी, ठीक हो गया। अच्छा जी पहली है, मुंह है छोटा बड़ी है बात, सुन लो इससे दुनिया के हालात। देखिए ये बहुत सुन चुकी हूँ मैं, इतना छोटी सी होता है, एक पॉइंट मिल गया। चले जी बात बोत करते हैं, ओके जी। अगर आप पांच में से तीन सेब लेते हैं तो आपके पास कितने सेब बचेंगे? दो बचेंगे नहीं, कितने सेब होंगे? अगर आप पांच में से तीन सेब लेते हैं तो आपके पास कितने सेब होंगे? पांच में से पांच तीन सेब लेते हैं तो तीन। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, एक एक पॉइंट हो गया, एक एक पॉइंट। अच्छा पूछो अरमला। हाँ ठीक है, वो क्या है जो वीक में दो बार, हफ्ते में यानी के यो में एक बार, लेकिन डे में एक बार भी नहीं आता? सियासी मामला तो फिर जवाब कुछ और भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम किसी रिपीट करो। अच्छा जी वो क्या है जो वीक में दो बार, यो में एक बार, लेकिन डे में एक बार भी नहीं आता? वीक में दो बार, ईयर में एक बार और डे में नहीं आता। अभी पास होगा ना पॉइंट? वीक में दो बार, ईयर में एक बार, डे में एक बार। वाह वाह साहब, शेर ही लगे हो। चलो जी एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक पॉइंट। अच्छा जी चार बच्चे तालाब में तैरी हैं, उनमें से दो भाग गई तो बाकी कितनी बचे? मैथमेटिक्स का सवाल हमारे लिए। हाँ सारे हमारे पास ही आ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स लग रहे हैं, सोचें सोचें, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, नहीं लग रहे डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं पसंद है मैथमेटिक्स। ये मैं मेंशन करती चलूं कि तो बिल्कुल भी हिसाब पसंद नहीं है, कि हिसाब तो देना पड़ेगा। सादिया और बुशरा आपस में बहुत अच्छी दोस्त है और जब हम तैयार हो रहे थे सब लोग तो इतनी जबरदस्त डिस्कशन हो रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एक ऑपोजिशन ये कैमरे के सामने आके अपना रोल चेंज कर लेता। हाँ रोल चेंज कर लेता। अच्छा जी दोबारा से पहली बात है, चार बच गए तालाब में तैरी है, इनमें से दो भाग गई तो बाकी कितनी बच गई? दो। दोबारा सोचो, चार बच गए दो भाग गई, तैर रही है, चार बच गए तैर रही है, इनमें से दो भाग गई तो बाकी तो चार तो तैर रही है ना। अच्छा ये कुछ करीब है लेकिन करीब करीब हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। चार बच गए तालाब में तैर रही है, उनमें से दो भाग गई तो बाकी कितनी बच गई? जब देखें अब बच्चे तैर रही उनसे पूछ लें एक बार, नहीं हाँ, तो हाँ, पास करें। अवल तो बच्चे भागती नहीं तैर रही है, ये था ये था आप स्मार्ट लग रहे हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं, चलती है जमीन पर चलती है, हम स्मार्ट चलती हैं, भागती जो तैर रही है वो भागेंगी कैसे? अच्छा जी आपकी जा रहे एक और सवाल, तालाब में तो भाग नहीं सकती। एक औरत के छह बेटे हैं, इनमें से हर एक की एक एक बहन है, अब ये बताइए कि औरत के कुल कितने बच्चे हुए? सात, क्योंकि बहन तो सबकी है। कैसे कर लेते हैं आप? कभी जरूर नहीं किया, कभी जरूर नहीं किया, इनका हिसाब किताब अच्छा है, बच के रहना। अच्छा जी स्टैट्स पढ़ा। अगला सवाल, कौन से महीने में लोग सबसे कम सोते हैं? रमजान मैंने भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा सही जवाब दिया, रमजान पिछली इधर अब की ईद से जो है ना वो चीजें रमजान में सबसे कम सोया। वैसे ना आपको उनकी भी माननी चाहिए, पॉइंट मेरा भी टू हो गया, ये जवाब तो ये गेम टीम ये जीत गई है, इनके हक में हमारे लिए दुआएं हमारे पास, हम आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं आपके जीतने पर, मुबारकबाद दे रहे हैं। अगला गेम भी है, वैसे हमारे जवाब क्रिएटिवली बड़े साउंड स्मार्ट तो लग रहे हैं, इनकी वजह से हारे हैं। चले जी आगे भी एक गेम है हमारा। अच्छा जी एक और गेम है, अब ये गेम कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग है, आपके पास मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, ठीक है, कि आपने उसमें सेलेक्ट, जैसे रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड है, इसका नाम है बकरा बनाना, ठीक है जी। टीम ए से शुरू करते, टीम ए से, अब टीम ए नहीं करते, अब जरा इंडिविजुअल कर लेते हैं, शेर साहब आपसे शुरू करते हैं। ईद ए कुर्बा पर गोश्त खाना पसंद करेंगे या बनाना पसंद करेंगे? खाना बनाए कौन, सही बात। अच्छा अगर आपको पकाना पड़े तो आप क्या बनाएंगे, बिरयानी या चिकन कढ़ाई?
मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगी, बकरा चिकन नहीं। अच्छा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चिकन खाते हैं? चिकन क्या, मैं तो सिर्फ दाल खाती हूं। मैं नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आ जाए ना, ताला की नेमत है अल्लाह की नेमत। अच्छा जी, दूसरों को अगर आप बना के खिलाएंगी तो क्या खिलाएंगी, कोरमा या बेवकूफ? बेवकूफ। यू लव टू क्यों? बस दैट्स सो कोरमा तो घर में मैं कोरमा तो मुझसे बनना नहीं है। तो आप बंदा बेवकूफ ही बना लेंगे। अच्छा बना लेती है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, बारबेक्यू या कड़ाही? दोनों नहीं। क्यों? वेजिटेरियन? नो वेजिटेरियन, देसी फूड पसंद नहीं है ज्यादा, स्पेशली बारबेक्यू एंड कड़ाही। अच्छा, बारबेक्यू और कड़ाई नहीं पसंद? पाकिस्तान से मतलब कौन है, कौन लोगे? तो क्या खाते क्या हैं फिर? उन्होंने सवाल किया, मतलब सब्जियां वगैरह सवाल किया उन्होंने, क्या बाकी खाते क्या बताए। मैं वैसे यूजुअली डाइट पे रहती हूँ तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। अच्छा जी, अच्छा वैसे ये सवाल शेर साहब के लिए पता नहीं, जिसके लिए आपसे पूछ लो, जरूरी नहीं है, ठीक है पूछ लेते हैं। आप वैसे तो फॉलो करते होंगे एक्टर्स वगैरह को, करते हैं, ठीक हो गया। मायरा खान, फवाद खान, हुमायूं सईद या हुमैरा चना? क्या कौन आपका फेवरेट कौन होगा आप उसको चूज करेंगे? अच्छा फिर इनको रेट करें ना, माहिरा खान, फवाद खान, हुमायूं सईद, फवाद खान, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सादिया जी के सवाल, इनको प्लस कुछ खाने के बारे में ना, खाने के सादिया जी आपको खाने से रिलेटेड नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप खाने के साथ बहुत अटैच हैं। साहब का सवाल है जो नून लीग के लिए, देखिए वो मजे मजे की खाने की बातें कर रही हैं, तो आज का दिन है ही इसका, तो मैं इसलिए बार बार। और अगर आपको गोश्त भेजने का मौका मिले तो आप किसके घर भेजेंगे? सॉरी, ऑप्शन है इमरान खान, फवाद चौधरी, मरियम नवाज या हमजा शहबाज। मैं चारों के घर नहीं भेजूंगी क्योंकि उनको पास जरूरत नहीं है, मैं वहाँ भेजूंगी जहाँ गोश्त भेजने की, जिन्हें खाने की जरूरत है, कि माशाल्लाह खुद वेरी पॉइंट। इमरान साहब तो कहते हैं वो तो नहीं खाते, मतलब इधर उधर से, वो तो यही ले लेके खा लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा एक ऑप्शन तो लाजमी बता, एक ऑप्शन बता दे कोई जिनके घर में नहीं भेजूंगी। इमरान खान, फवाद चौधरी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। अल्लाह, ये देखिए जी सियासत सादिया। हाँ कोई बात नहीं, मैंने मरीम नवाज को छोड़ दिया, देखिए ना कुछ तो रियायत दिया। अच्छा जी, बकरा ईद पर अगर किसी के खाने में नमक तेज करना हो तो तेज नमक वाला खाना किसको खिलाएंगी? ऑप्शंस नहीं है अपने। अच्छा, पॉलिटिकली? हाँ पॉलिटिकली किसको खिलाएंगे तेज नमक वाला खाना? नफरत तो नहीं आप कह सकते, बट हाँ इरिटेशन सा, टॉर्चर करना। हाँ हाय नहीं, मैं बुजदार साहब को खिलाऊंगी नमक, मेरा मासूम। मैं कहती कोई तो रिएक्शन आए ना, नहीं करेंगे, नहीं उसमें भी चुप कर जाएंगे हम, बहुत प्यारा इंसान। मैं बताऊं वाकई, अब हम सियासी बातें नहीं हो रही, पर वो इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत प्यारे। फिर मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ है, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। उनसे ज्यादती ये हुई कि उनको ऐसी पोस्ट पे ला के खड़ा कर दिया, उनकी हर इसीलिए उनको ज्यादा नमक खिलाना चाहती हैं, हर ताकि उन्हें ये लगे कि लाहौर में नमक वाले खाना, और वो वापस चले जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगले सवाल बता दे जी, ईद पर अगर तैयार करना पड़े तो आप बकरे को तैयार करेंगी या गाय को, किसको तैयार करेंगी? ये दोनों को कर देंगी, बकरे को। बकरे को क्यों, गाय से डर लगता है? गाय से डर लगता है, बकरे से डर नहीं लगता साहब, गाय से डर लगता है। अच्छा जी, किन फिल्म स्टार्स के लिए आप खुद बारबेक्यू बनाएंगी, बताएं जरा, ऑप्शन दिए हैं आपके कौन? हमारे लिए तो आज तक नहीं बनाया, चलो फिल्म स्टार्स के लिए बना लूंगी। ओ वाओ, यहां मुझे लगता है इस दावत दोस्ती है, दोस्ती हां दोस्ती तो है। मेरे ख्याल में मुझे फिल्म, अगर हमारे पाकिस्तानी तो मेल में फवाद बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और खवातीन में मुझे एक्टिंग के हिसाब से इकरा बहुत अच्छी लगती है, सानिया सईद। हाँ इकरा, सानिया सईद, हाँ। सानिया सईद कमाल है। अच्छा जी, एक और सवाल शेमियादा साहब आपके लिए, मटन बारबेक्यू अगर आप घर पे करेंगे तो कौन से फिल्म स्टार को आप मधु करेंगे, मीरा, रीमा, आयजा खान, रेशम या नीलम मुनीर? इनमें फिल्म स्टार कौन है? कोई भी एक्टर कर ले, एक्टर कर ले। नहीं वो रीमा है, मीरा है, मीरा भी है, अभी तो नहीं फिल्म मीरा की बड़ी जबरदस्त, ये अभी उन्होंने बहुत गहरी बात की, आप समझी नहीं। मेरे लिए तो ऑनर, सब सबके लिए बनाऊंगा, लेकिन रीमा जी, रीमा जी के लिए क्या बात, रीमा के लिए सब एक रिस्पेक्ट सी है उसके लिए दिल में। अच्छा जी, बुशरा जी आपके लिए सवाल,
कुछ नवाज शरीफ के, हाँ नवाज शरीफ के हाथ का खाना खाएंगे या इमरान खान के? प्लीज किस किस्म का सवाल, एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने लगा, एक्सप्रेशन ज़ूम करें, किस किस्म का सवाल कर लिया, बट ऑब्वियस जवाब वाला, ऑब्वियसली इमरान खान का तो खाना ये कहने इमरान खान, इमरान खान ने खाना खिलाना नहीं है, बिस्किट खिलाना है, उन्होंने कहा खाना सही, खाना सही, मेहमान नवाजी तो हमें मिलनी है, हाँ खाबे उधर ही है, सही कह रही हो, नहीं नहीं हम देखे ना, हम मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये दोनों खवातीन का बहुत जबरदस्त कॉम्बो है, बहुत कॉम्बो, ये बेहतरीन कॉम्बो, इमरान खान साहब के यहाँ से क्यों नहीं खाएंगे, वो देंगे ही नहीं बिस्किट, देंगे उनके यहाँ तो बिस्किट, बल्कि खुद ही लेके जाना पड़ना है खाना, तो नवाज शरीफ के यहाँ से कमाल है, कितनी पालक गोश्त होगा, हर पालक गोश्त होगा, चापे होगी, आलू गोश्त होगा, नॉट जस्ट द पार्टी पीपल, नॉट जस्ट द पार्टी पीपल, जो जो इंसान गया है वहाँ वो हमेशा उनकी मेहमान नवाजी का जो है ना, एक तो कश्मीरी घराना और वैसे भी उनका दिल और इस तरह वो करते हैं, और वो बल्कि खुद खाना डाल के देते हैं, मतलब ये उनकी बात एक है, बल्कि अभी मैं मेरे जो बाल ब्लो ड्राई पीछे कर रहा था ना, वो बल्कि मुझे बता रहा है, हाँ मैं उनके घर गया तो मुझे इतनी इतना अच्छा लगा कि मुझ जैसे, मतलब नहीं आपकी एफिलिएशन बहुत अच्छी है, ये आपको उन्होंने खुद खाना डाल के दिया, वो कोई तो शेरमियां दाद साहब आप इनकी गुफ्तगु तो सुन रहे हैं, खबरों को कितना फॉलो करते हैं, कितने बाखबर रहते हैं, ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है इनका लड़ना, इनका लड़ना अच्छा लगता है, क्यों? वजह ये है कि खामियां बाहर आती हैं, पता चलता है कितने पानी में कौन है, सही है, क्योंकि हम पब्लिक अब तो वैसे भी वो सियासत को इतना जान गई है और इनकी लड़ाइयाँ देख देख के जानी है, वैसे नहीं तो अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ यही लगा रहना, अच्छा लड़ाई, और मेरी ये भी दुआ होती है ये खत्म ही ना हो, अल्लाह करे, अरे वाह क्या बात, वैसे भी बस होने चाहिए ना, लोग परेशान हो जाते हैं इन्हीं की वजह से, तो हमारा काम चल रहा है, ये जो करंट अफेयर के टॉक शोज है ये किसको टारगेट करते हैं, कौन सुनता होगा, ये मैं सुनता हूँ, ये आप कितना फॉलो करती है न्यूज को? बहुत ज्यादा, इन सबकी लड़ाइयों का पता होता है आप? पता होता है, तकरीबन पता होता है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में लिखती हूँ कॉलम, अच्छा, और आर्टिकल, जबरदस्त, तो मुझे पता होता है, ये क्या कुछ नहीं करती, ये नन्ही सी लड़की बहुत कुछ करती है, तो सी है लेकिन मतलब वो कहते ना छोटा पैकेट बड़ा था, बड़ा था माटा, मैं सिंगिंग नहीं करती, सिंगिंग नहीं करती हमने, क्योंकि मेरा कहना है हाथ जोड़े में हम नहीं गवा रहे आपसे, सिंगिंग भी ट्राई करना चाहिए, आवाज बोलने में तो अच्छी है, गाने का पता है, आप ही करवा छोड़ेंगे मुझे लगता है, मैं तो करा के जाऊंगी, बिश्रा डिसाइड, इतना ज्यादा शी इज सो टैलेंटेड, व्हाई नॉट गिव दिस अ शॉट एज वेल, जेमिया दास साहब आपको एंगेज करना है, मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, गाना हमें फिर सुना दें, ठीक फिर से हमारी दरख्वास्त, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा जी, अगर अच्छा इसकी सिचुएशन में आपको बता, हाँ, जी बिल्कुल, हम सिचुएशन okay, अगर वो गाना ये मैं अभी आपको जो सुनाने वाला हूँ, क्यों एक गाना चलता था लड़की को कहने के लिए हमें तुमसे प्यार कितना, ये नहीं कोई कसम ना उठाओ ये गाना गा तो लड़की एतबार कर जाती थी, फिर मैंने आपने उसका तोड़ निकाला, आपने एक सेकंड मैंने उसका तोड़ निकाला, तोड़ ही निकाल दिया, ये देखिएगा, ये देखो सर, यानी ये वो तमाम मर्द हजरात, हाँ, और आपका गाना ये मुकालमा है, हाँ, ये देखिए ये जवाबी शिकवा, जवाबी शिकवा, देखिए ना हमें तुमसे प्यार कर, ये हम नहीं जानते, हाँ, मगर जी मगर नहीं, नहीं सकते तुम्हारे बिना, तो समझो पट गया वो, ठीक है, पट गया, अच्छा अब मैंने क्या उस पे लिखा है सुने, तेरे होते जिंदगी में ना कोई है ना आएगा जिंदगी में, ये बड़ा अच्छा इन्होंने उसको मारने के बाद आ जाए मजमूई एतबार से, वो तमाम मर्द जो इस दुख का शिकार है वो बताइए इसकी पूरी ये किसी पर डालो, आपके गाने की असल एक सेकंड, आपके गाने की असल रू और हमें तुमसे प्यार कितना दोनों एक ही मिशन पे, मिशन एक ही है लेकिन मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन ये जो मेरा गाना है ना ये जो रियल मोहब्बत करेंगे उनके लिए, ये तो सुना दे, सोच लो किसको डेडिकेट, ये निदर से आवाज आई फिर तो सुना दे, मतलब वो तमाम मर्द हजरात जो रियल मोहब्बत का वैसे तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, शेर साहब छोड़ेंगे वादी हमें कटवा दूंगा, आप गाना सुनाएं जिंदगी में ना कोई है।
स्पेशल ईद की खुशियां हम अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ मना रहे हैं, खूब रौनक लगी हुई है, मजेदार बातें हो रही हैं, हम म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और नून लीग की जो टसल चल रही है वो भी मजेदार वाली, हल्की अच्छा। हमने इस ब्रेक के दौरान ये सोचा, मतलब हमें ऐसी ख्याल आया कि शेर साहब तो हमें गाने सुना रहे हैं, ये बाकी खवातीन क्यों ऐसे बैठेंगे, हम इनसे भी गाने हम सोच रहे हैं कि अब आप लोग भी कुछ, आप लोग पानी पिए, गले साफ करें, अपने किस्मत, हम देखें शेर साहब के गानों में रुई लगवा देते हैं ताकि आप कुछ झरना करें, मतलब उनके लिए टॉर्चरस ना हो, टॉर्चर क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, वो आदमी बर्दाश्त कर लूंगा, शेर में हम सब आप वैसे आदि होंगे, एक आध कोई ऐसा, वैसे आपके पास जो एक बात बताएं, कुछ नए बच्चे आ जाते हैं सीखते हुए, कुछ ऐसे होते हैं जो सीखे हुए होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, एक वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनसे नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी वो किस्मत आजमाना, उनको कैसे मैनेज करते हैं, नहीं मैं उनको समझाता हूँ, आ जाती है समझ, वो जरा जुमले अदा करना, बातों में समझाता हूँ, मुझे लगा मेहनत करे, असल में ना ये गॉड गिफ्टेड बात है, अल्लाह पाक जिस तरह मैं इनमें देख रहा हूँ, मैं इनमें देख रहा हूँ, उनमें है एक्टिंग है, अच्छा है, वाह, यानी मैं देख रहा हूँ तो एक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे सामने इनको जब मैं सामने से देखूंगा फिर सादिया जी को मैं, आप खुदा के मुझे लेकिन आई होप आपको पता है कि मैं सियासतदान हूँ, लेकिन जब आप बोलते तो लगता है कि आप फील कर रहे हैं कि आपसे हो पाएगा, अच्छा जी हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज भी मिली है, वो ये कि तहजीब शायरी भी करती हैं, हम हर ब्रेक पे जब जा रहे हैं तो हम वापस आ रहे हैं, तो हम सरप्राइज हो गया, हम खुद सरप्राइज, ब्रेकिंग न्यूज मिलती जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज को हम और जो बीपर ले ले उस पे थोड़ा बीपर सा ले ले, तो जी तहजीब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बताइए कौन सा शेर सुनाएंगे आप, मुझे मोहब्बत से याद आया, उन्होंने भी मोहब्बत पर बहुत गहरी बातें की, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी अपनी शायराना बातें कर दूं मोहब्बत पर, जरूर, अच्छा मोहब्बत पर मैंने थोड़ी सी शायरी लिखी है, वो मैं एक मिसरा उसका सुनाती हूँ, मोहब्बत मीम और ते की कहानी है, मोहब्बत मीम और ते की कहानी है, मोहब्बत मीम से है मेरी चाहत, है उसकी है तुझे पाने की हसरत, बड़ी बेचैन है ये बेचारी, इसे ख्वाहिश है बस देखो तुम्हारी, तुम ही तय हो मोहब्बत का मेरी जान, तुम ही से अब मेरी तकमील होगी, क्या बात है, बेहतरीन, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये वाकई हम जो अब बस तहजीब ये मान लें कि आप गाना भी गाती हैं, हां तहजीब हमने आपसे गाना पड़ेगा, अब तो गाने पड़ेगा, पैकेज कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं एक और शेर सुना देती हूं, गाना नहीं मेरे से गाया जाएगा, मेरे पास गेम है लेकिन वो इंटरेस्टिंग ऐसे है,
के हर गाने में आपको बकरा ऐड करना है। मुझे दोबारा अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अरमला की दूसरी इधर शादी के बाद अरमला बहुत खुश है। ओके बिल्ला बजाई। अच्छा जी नाजरीन, आप ये जो गाने हम सुनेंगे इन सबसे उसमें इन्होंने बकरे का वर्ड ऐड करना है, चाहे जैसा भी गाना सुनाए। और शेर मियांदाद साहब से शुरू करने या बात ठीक है? शेर मियांदाद साहब तो कुछ भी कर लेंगे ना। इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू नहीं तहजीब आप। अच्छा जी ये आपने ना इस पे करना है, ये काली काली आंखें, इस गाने को आपने बकरे के साथ ऐड करना है। वैसे ये मेरा फेवरेट गाना है, बात कर रहे हैं लोग नफरत करेंगे इस गाने से बाद में। कोशिश कर रहे हम भी। अच्छा बकरा कहाँ ऐड करना है? ये काली काली आंखें ये आपको मैंने गाना बता दिया, आप इसमें बकरा कहीं भी लगा दे। आप लगा देना ये बकरे की आंखें। नहीं वो मैंने सोच लिया। हाँ सुनाए। वेरी गुड वेरी गुड। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये बकरे जैसी चाल। देखा फिर पहले कह रही थी नहीं, आपने जब इनको सामने से देखा आपको लगा ये गा सकती है? ये गाती है, कहती है गाती है, गाती है वो शोर है। ये मिश्रा ने तो आज अनाउंस किया था, शेर मियांदाद साहब ने पक्का कर दिया कि साथ वो इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हैं। हाँ जी ये आपने बताया टेक्निकल। मेरी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है सॉन्ग्स की, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे, मिश्रा ने किया है उसको जो दूर देश से देखा है वो शेर मियांदाद साहब ने देखा है। हमारे दौर आपका दौर कौन सा था? यूथ को बहुत प्रमोट किया, तो यूथ देख के बता देते हैं कि पोटेंशियल क्या है। क्या बात है, क्या बात है। और अगली जो हुकूमत आई वो आई सारी यूथ की। बोले ना हमें तो प्रमोट करने की जरूरत है, हम तो आए यूथ को लेके। यूथ दो विंडो एक सेकंड, प्रोड्यूसर साहब दो विंडोज बना दे और इन दोनों को कट करने बैठेंगे और हम देखेंगे। अल्लाह को जान देनी है, बिल्कुल ख्याल रखो अल्लाह को जान देनी है। तमाम बातों का हिसाब लेगा वाली पार्टी आई थी आज पंजाब असेंबली, जीता जागता सबूत है कि सारी जो है ना 40 प्लस की ब्रैकेट की खवातीन वो सारी पीटीआई ले आई। सीनियर सीनियर आपकी रुकन होती है उनको मार दे, नहीं नहीं यूथ जहर दे दे, तुम्हारा हक नहीं है। यूथ और जवानी दोनों चाहिए होते। सादे ये बेचारे टीवी पे देते हम इनको लाइव दिखा। अच्छा जी बुशरा आपके लिए गाना, मैं गाना नहीं गा। तुझे देखा तो ये जाना सनम और बकरा बीच में लगा दे आप कहीं भी, सनम ही आप चाहे बकरे को बना ले। खैर है मैंने इसके वही खराब कर देने लिरिक्स, कोई बात नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, होता है दीवाना सनम। बस सीधा सीधा, तुम आए तो आया मुझे याद, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आपने कुछ और, आपने कुछ और कर, चांद नहीं निकालना आपने, आज बकरा निकला नहीं। और आपने आपको तो गुनगुनाने का ही बनता है ना। जब बकरे को देखा यार गली से आज कसाई निकला, सिर्फ बकरा नहीं कसाई भी आया, कसाई भी आया साथ। अच्छा जी आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अगला जुमला क्या है इसका? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। वाह वाह चले सादिया, सादिया सोच रही ना सीन, डस 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 कैमरा बस करना, टाइमर चला दो, टाइमर टिक टिक वन चले, टिक टिक टू बहुत मजेदार है भाई। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बकरा बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम सीखे बोटी बनके, तुम कबाब बनकर। चलो जी ईद है, कसाई बकरे टिक्के बोटियां सब हो रही हैं, सब एक कर दिया, सब एक कर दिया। अब
शेर मियां दास हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ हम गाने में बकरा फिट करवा रहे थे तो हम गाने में ईद फिट ईद और खास तौर पे वो लोग जो घरों से दूर होते हैं इस तरह का कुछ हो तो फिर जरा। और अपने सब मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन सब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप लोग आए, हमें ईद वाले दिन टाइम दिया आप लोगों ने और ईद की खुशियों को आपने दोबारा किया। बहुत मजा आया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का कॉम्बो मजेदार, हम आपको बुलाते फिर बुलाते रहेंगे और हम इस कॉम्बो को और इस लड़ाई को शेर मियां दास आपको एंजॉय करने के लिए बुलाएंगे। जब तहजीब आएंगे तो वो गाना भी गा रही हूँ। आपका शुक्रिया तहजीब बुशरा, आपका शुक्रिया। थैंक यू साहब, हमने ऐसे नहीं जाने ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਆ ਜਾਵੇ ਸਜਣਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।